हेलो फ्रेंड्स, आज की मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो का शीर्षक रखा है, बाजार को मत देखो, पोर्टफोलियो को देखो। बाजार को मत देखो, पोर्टफोलियो को देखो, यानी कि बाजार की तरफ नज़र दौड़ाओगे तो बहुत अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन पोर्टफोलियो की शक्ल देखोगे तो पोर्टफोलियो में वो तो तेज़ी गायब है। और कुछ लोगों के तो पोर्टफोलियो माइनस में भी चले होंगे आज भी। तो इतनी भयंकर तेजी के बावजूद, लाइफ टाइम हाई के बावजूद, एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव थी, ना केवल बीएससी की बल्कि एनएससी की भी। और सबसे खास बात यह है कि पोर्टफोलियो की शक्ल तो देखने में अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जो डेज में गेन आ रहे हैं वो तो नदारद हैं, लेकिन इंडेक्स काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और इंडेक्स ने आज अपना लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी, और वो क्लोजिंग का श्रेय जाता है टॉप 10 शेयर होल्डर्स को, यानी कि जो टॉप 10 कंपनीज के शेयर होल्डर्स हैं उनके दम पर आज बाजार चला। बिल्कुल एक सोची समझी नीति के तहत ऐसा हो रहा है। जब तक स्मॉल कैप मिड कैप चल रहे थे तो इंडेक्स नहीं चल रहा था इतना, अब इंडेक्स चल रहा है और स्मॉल कैप और मिड कैप नहीं चल रहे। इसका मतलब क्या है कि ये वही प्लेयर्स हैं जो पहले स्मॉल कैप और मिड कैप को प्ले कर रहे थे, अब वो स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स को सेल कर रहे हैं और उसी पैसे से अब वो इंडेक्स को खरीदने लग रहे हैं। और इंडेक्स के टॉप 10 शेयर्स में आप देखेंगे एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इंफोसिस, रिलायंस, इस तरीके की जो कंपनियां जो टॉप 10 वेट रखती हैं इंडेक्स के अंदर, वो सारी कंपनियां ऊपर जो है लगा रखी थी आज पूरे बाजार के अंदर। और उसका फायदा ये हुआ कि बाजार ऊपर, शेयर धड़ाम, यानी कि शेयर्स की तो जमकर धुलाई हो रही थी जो आपके पोर्टफोलियो में है। और उसके अलावा जो इंडेक्स के टॉप 10 शेयर्स हैं जिनसे इंडेक्स चलता है, उसमें भयंकर तेजी थी। तो इस भयंकर तेजी के बीच आपने देखा कि आज किस तरीके से शेयर्स चले। तो आज देखिएगा इंडेक्स के अंदर 165 पॉइंट्स की तेजी हुई, और ये तेजी कल भी बरकरार रहने वाली, यानी कि मंडे को भी इंडेक्स क्लियरली बता रही है कि देखिएगा इतना बुलिश सेंटीमेंट आपको कैंडल्स में नज़र आ रहा है। जैसे कि अभी 16,700 को मारने के लिए बेताब है, यानी कि सोमवार को जब बाजार खुले तो 16,700, मुझे नहीं लगता बुल्स के लिए कुछ भी मुश्किल वाला काम है, क्योंकि आज जिस तरीके से बीयर्स ने अपने घुटने टेक दिए थे और जिस तरीके से टॉप 10 शेयर होल्डर्स जो हैं वो एंजॉय कर रहे थे, यानी कि टॉप 10 जो कंपनीज़ के शेयर होल्डर्स हैं, उन शेयर्स के अंदर भयंकर तेजी थी, और जिसकी बदौलत इंडेक्स को तो आज सांस भी नहीं लेने दिया। बस इंडेक्स दौड़ता रहा दौड़ता रहा, और कहीं पर भी एक समय पर भी ऐसा नहीं आया कि कहीं पर भी कोई गुंजाइश हो। एक क्षण भर के लिए बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर बीयर्स ने कुछ हल्की फुल्की जो है अपनी चाल खेलने की कोशिश की, लेकिन उसको विद इन 2 सेकेंड्स जो है नज़रअंदाज कर दिया, यानी कि 1 सेकेंड भर के लिए, 2 सेकेंड भर के लिए 36,000 के नीचे बाजार फेंकने की तो कोशिश की थी बीयर्स ने, लेकिन देखिएगा आज बुल्स कुछ और ही मूड में थे, और आज इतना भयंकर मूड था कि वो कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। तो देखिएगा जो टॉप 10 वेट रखने वाले शेयर्स हैं वही आज आपको इंडेक्स के अंदर गिनर मिलेंगे। रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस एंड एचडीएफसी लिमिटेड, पांचों हैवी वेट है। अगर आप टॉप 10 वेट वाली कंपनीज निकालेंगे तो उसमें ये पांचों कंपनियां बेशुमार हैं। और आप देखेंगे कि ये टॉप 7 में आती हैं, तो मोस्टली जो टॉप 7 कंपनीज है उनमें से पांच तो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जो कि अगर इतनी अच्छी तेजी दिखा रही होंगी तो किसी की मजाल नहीं कि बाजार को गिरा सके। और सबसे खास बात थी कि टीसीएस दिग्गज, रिलायंस दिग्गज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी तो दबकर खरीदारी हुई। इसका मेन रीज़न ये था कि बाजार जब तक ऊपर रहेगा तो बड़े प्लेयर्स अपने स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर पाएंगे, क्योंकि अगर बाजार का रंग भी लाल हो गया तो फिर स्मॉल और मिड कैप खरीदने आएगा कौन, तो वहाँ पर तो एक जबरदस्त सेलिंग आ जाएगी। तो इन बाजारों को की तेज़ी दिखाकर स्मॉल कैप और मिड कैप में जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और एनएससी की एडवांस डिक्लाइन रेशो आपको बयां कर रही है कितने मजबूत बाजार में। आप बताइए, एडवांस डिक्लाइन रेशो नेगेटिव में 974 डिक्लाइन वाले शेयर्स और एडवांस 811 शेयर्स, तो ये आपको बता रहे हैं कि भाई साहब पोर्टफोलियो में बेचे जाओ, इंडेक्स को खरीदे जाओ। तो यही स्ट्रेटेजी शायद अभी भी आगे चल सकती है। तो अभी कोई भी सेलिंग प्रेशर जो है आज के चार्ट के हिसाब से तो देखने के लिए नहीं लग रहा, ऑप्शन चेन भी बहुत ही मजबूत है। तो सोमवार के लिए बाजार के बारे में अभी
कोई भी प्रडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो मैंने कहा था कि अगले 20 दिनों के अंदर आपके पोर्टफोलियो में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आएगी, वो हो रहा है। तो 20 में से मैंने कहा था 10 दिन आपको बाजार के अंदर आपको गिरावट ही मिलेगी। मैं इंडेक्स के फ्रंट पे नहीं कह रहा हूँ, आपके पोर्टफोलियो के फ्रंट में, यानी कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स हैं उनमें आपको कोई बहुत अच्छी तेज़ी देखने के लिए नहीं मिलेगी। हालांकि इंडेक्स के बेस पर आप देखेंगे तो इंडेक्स या तो म्यूटेड खड़ा रहेगा या ऊपर की तरफ, यानी कि इंडेक्स में कोई बहुत भारी उतार चढ़ाव नहीं होंगे। इंडेक्स के अंदर भी जो छोटे शेयर्स हैं, जो टॉप 20 के बाहर वाले शेयर्स हैं, उनमें आगे चल के 2 या 3 दिन बाद उनमें भी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग जो है शुरू हो जाएगी। लेकिन जो टॉप 10 शेयर्स हैं, यानी कि जिनसे बाजार चलता है, इंडेक्स चलता है, निफ्टी चलता है, उनमें आपको शायद कोई वीकनेस देखने के लिए ना मिले। और ये 2018 में भी हमने सेम देखा था, 2018 और 19 में इंडेक्स तो चलता रहा और स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स में पिटाई होती रही, क्योंकि पहले उनमें रैली की गई, सभी लोग उनमें बैठ गए, सभी लोगों को लगा कि यार यहीं पे पैसे बनेंगे, और जहां पर पैसे बनने की लोगों को उम्मीद थी लोग वहां पर बैठ गए, तो रिटेल इन्वेस्टर वहां पर बैठ गया। अब उन्होंने इंडेक्स को तो ऊपर रखा और धीरे धीरे करके बाजार के अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर दर्द जो, या मैं कहूँ पेन जो देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन इसी समय पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि बाजार जब इस तरीके से कंसोलिडेट होता है तो हो सकता है कि आपको 2-3 महीने का पेन मिले, लेकिन उसके बाद अगर आप उस पेन को झेल जाएंगे और अच्छे वैल्यूड वाले शेयर्स अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स फिर दोबारा से आपको होंगे जिस तरीके से अभी हुए हैं। लेकिन जिन लोगों ने पोर्टफोलियो बेचकर वो जो है दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया, उनको शायद जो है कुछ हाथ ना लगे। मैं आपको खुद बताता हूँ पर्सनली कि मैं आप लोगों के साथ भी यही बोलता रहा कि जहाँ पर भी अच्छे प्रॉफिट्स हैं वहाँ पर बांध लीजिएगा। इवन मैंने आज अरोबिंदो फार्मा के शेयर्स कल भी थोड़े से खरीदे थे, लेकिन आज हैविली मैंने अरोबिंदो फार्मा के शेयर्स जो है खरीदे, और मैं काफ़ी समय से वेट कर रहा था अच्छे भाव पे अरोबिंदो फार्मा का शेयर मिले। और तो अरोबिंदो फार्मा का शेयर्स जो है आज 775 की एवरेज प्राइस पर हमें मिल गया। तो अब हम उसके कैश फ्लोज को देख रहे हैं, तो उसके बारे में वीडियोस तो मैं आपको बाद में कभी शेयर करूंगा, बट मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि ठीक है 800 रुपये में मिलेगा तो इसको ले लेंगे। लेकिन जब सुबह खुला तो हमें उसकी चाल देखने में पता चला कि अभी धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। हालांकि क्लोजिंग 760 पे हुई है, यानी कि जहाँ पे हमने जो हमारे एवरेज प्राइस है उससे भी 15 रुपये नीचे, लेकिन मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मैंने उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है, मतलब जो टाइम होरिजन है वो 2 से 3 साल का है कम से कम, और इवन एक लॉन्गर पीरियड अभी। अब देखिएगा जब शेयर प्राइस गिरेंगे ना तो नई नई बातें होनी शुरू हो जाती है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और जब शेयर चलने लगते हैं तो सब लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ये बाजार की फितरत है। और यह बात हम समझते हैं कि जब शेयर गिरेगा तो बुरी खबरें अपने आप ढूंढ के ले आएंगे लोग, और जब चलेगा तो अच्छी खबर अपने आप ढूंढ के ले आएंगे। लेकिन आप उसके पास्ट रिकॉर्ड को, कभी भी कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड्स को, पास्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो ये बात आपको जो है ध्यान रखनी चाहिए। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अरोबिंदो फार्मा खरीदिए, लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज सलाह लीजिए, अपने विवेक का यूज़ करिए, पीछे का पास्ट रिकॉर्ड्स देखिएगा, आगे की फ्यूचर प्रोजेक्शन करिएगा, फिर उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड के बारे में पता लगाइएगा, और जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उस पर अपने लेवल पर तहकीकात करिएगा क्या वो जस्टिफाई है या नहीं है। तो इस तरीके से जो चर्चा मैं आपके साथ कर रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। इसी के साथ साथ आज कावेरी सीड्स के शेयर्स के अंदर भी अच्छी बिकवाली देखने के लिए मिली, और वो कावेरी सीड्स में जो अच्छी बिकवाली देखने के लिए मिली उसमें रिजल्ट जो है प्रमुख था। लेकिन देखिएगा ऐसे रिजल्ट को भी बाजार नज़रअंदाज कर देता है अगर बाजार बुल ट्रेंड में होता है। अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में बुल ट्रेंड होता तो ऐसे रिजल्ट देखिएगा, पिछले क्वार्टर में भी तो खराब रिजल्ट आए थे बहुत कंपनियों के, लेकिन किसी ने रिएक्ट नहीं किया था पिछले क्वार्टर में, सबको जो है तेजी के जो है घोड़े पर सवार किया गया था। अब यार ऐसा नहीं है, अब की बार केवल इंडेक्स को ऊपर रखा जाएगा और बाकी अपने शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग आगे भी मुझे लगता है कि जारी रहेगी स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स के अंदर। तो जिन लोगों ने भी, जब हम तेजी के बीच में भी आपसे बात करते थे कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहनी चाहिए, वो इसीलिए हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहे थे कि अगर एक बार आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे तो शेयर्स अगर वो नीचे आएगा तो आपको कंफर्टेबल आप रहोगे। जैसे अभी हम मोतीलाल ओसवाल के शेयर्स के बारे में भी आपके साथ चर्चा की थी, तो जब 1000 रुपये से ऊपर गया था तो हमने कहा था कि कुछ ना कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर नीचे आएगा तो फिर देख लेंगे। तो हमारे भी कुछ जो मित्र हैं उन्होंने 75% तो ऑफलोड कर लिया, लेकिन 25% फिर भी बच गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज उनके प्रॉफिट को कॉस्ट से माइनस कर दें जो उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया, तो आज का भी जो मोतीलाल ओसवाल का शेयर का प्राइस है उसमें से 200 रुपये आप प्रॉफिट के कॉस्ट कम कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको नीचे के लेवल्स पे आपको उनकी एवरेज प्राइस आ गई है। तो ये फ़ायदा होता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का, लेकिन दूसरा नुकसान ही होता है कि एक बार लालच आता है कि यार शेयर प्राइस ऊपर चला गया हमने तो बेचा ही नहीं,
और अगर बेच दिया तो उसके बाद लगता है कि यार बेच तो दिया हमने, अब हम तो ज़्यादा महंगा बेच देते। तो दोनों तरफ से रिग्रेट तो देखिए बाजार में होता है। अगर आपने 1,000 में बेच दिया, फिर 1,050 में बेच दिया और वो शेयर 1,500 चला गया, तो आप कहोगे यार मैं तो सारे 1,500 बेचता, लेकिन अब वो लौट कर 850 या 820 आ गया, तो अब आपको लगता है यार मैंने तो बड़ी समझदारी का काम किया। लेकिन फिर ये सोचते हो कि जो बाकी बचे थे वो भी बेच देता है। बट ये डिसिप्लिन है, बाजार में एक डिसिप्लिन से ही काम करना पड़ेगा। रिग्रेट तो देखिएगा बाजार हमेशा कराता ही रहेगा आपको, लेकिन प्रॉफिट करके रिग्रेट करना अच्छा लगता है। और इस समय पर आप एक चीज़ बहुत अच्छा कर सकते हैं कि अब धीरे धीरे करके SIP मोड के अंदर अच्छे कैश फ्लोज जिन कंपनीज के अंदर, मैं अब प्रॉफिट के साथ साथ एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि जो कंपनी कैश जनरेट कर सकती है, फ्री कैश फ्लो जनरेट कर सकती है, जिन कंपनी का पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जिनके बिजनेस की विजिबिलिटी है, उन पर ज़्यादा फोकस करिए, बजाय कि नई नई स्टोरी के लोग आपको बताते रहेंगे ई व्हीकल्स में ये आ जाएगा, ये रिन्यूएबल एनर्जी में चला जाएगा, ये उसमें। आप ये देखिएगा कि जिन कंपनीज ने पीछे पास्ट में परफॉर्मेंस दी है और आगे उस कंपनी का फ्यूचर अभी भी रहने वाला है, उन पर ज़्यादा फोकस करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहोगे, बजाय कि नई नई चीज़ें ढूंढोगे और वहाँ बाद में 10 में से देखिएगा 9 कंपनियाँ फेल ही होंगी, यानी कि 10 में से 9 स्टार्टअप आपको फेल ही होने वाले नजर आएंगे। तो एक में आपकी अगर लॉटरी लगेगी तब भी आपके पास उसमें कितनी है जो है आप उसमें इक्विटी डाले हुए होंगे, तो जो प्रॉफिट होगा। तो ये जस्ट मैं आपके साथ एक इन्वेस्टमेंट के जो कुछ ऐसे गुण हैं जो मुझे अपने बाजार में रहते हुए फील हुए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई आपसे बुक में से कोई बात नहीं बता रहा हूँ। तो आज की इस चर्चा के अंदर बाजार की मैं इस सीख की भी आपके साथ बात कर रहा हूँ। आपको ये जो भी एडवाइस है या जो भी आपने एक्सपीरियंस है इस पर कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि ये आपको वास्तव में ठीक लगता है, या जो मैंने भी आपके साथ जो पिछले 3 मिनट चर्चा की वो आपको कैसी लगी। अब देखिएगा कैश के अंदर FIs ने आज देखिएगा अब FIs कैसे हो गए, पिछले महीने तक सेल थे, अब देखिएगा FIs ने 819 करोड़ की बाइंग, DIs ने अपनी बाइंग कम कर दी 149 करोड़ की, लेकिन नेट बायर है। फिर देखिएगा इंडेक्स के फ्यूचर्स में 630 करोड़ की बाइंग, इंडेक्स की ऑप्शन में 7157 करोड़ की बाइंग, स्टॉक के फ्यूचर में 1437 की बाइंग। इसका मतलब है चारों तरफ तेजी की ही बहार है। अब इस तेजी के बीच में भी मंदी खेल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ऑप्शन में क्या खरीदा हुआ है, पुट खरीदी हुई है, कॉल खरीदी हुई है, तो ये आने वाला समय बताएगा। बट अभी तक जो भी इंडिकेशन है वो सब तेजी की तरफ इंडेक्स के फ्रंट पे बता रहे हैं। हालांकि बैंक निफ्टी के अंदर तेजी आज केवल 232 पॉइंट की थी, पर हो सकता है कि अगले जो सोमवार को अगर तेजी को कंटिन्यू रखें या बाजार को यहीं पर होल्ड रखें तो उनके ऑप्शन के ट्रेड के हिसाब से जो है बाजार चलेगा। तो हो सकता है कि सोमवार को बाजार को ठीक ठीक रखा जाए, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा नीचे लाया जाए, ऊपर की तरफ बेशक से लेके जा सकते हैं, इसकी जो है संभावना रहेगी। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप आपके पोर्टफोलियो जो रिटेल इन्वेस्टर के पास शेयर्स हैं उनके अंदर कोई मैजिक कभी नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, जैसा कि आज भी देखने के लिए मिला। जो रिटेलों के पास ओनरशिप नहीं है जिन शेयर्स की, वो शेयर्स नहीं चल रहे हैं। ऐसा पहले भी होता है, 2018-19 में भी हमने सेम जो है एक्सपीरियंस लिया था। देखिएगा चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट हालांकि रेजिस्टेंस पे आके रुक गया, जहां पर हालांकि अब रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, यानी कि 2 दिन पहले रेजिस्टेंस से वापस आ गया था। तो अभी देखिएगा 36,270 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से आज भी बाजार वापस आया, लेकिन फिर भी आज बाजार एक काफ़ी हाई लेवल पर बैंक निफ्टी में जो है क्लोज हुआ। तो देखिएगा जो मैं आपको इंडेक्स के 10 शेयर्स बता रहा था उसमें देखिएगा HDFC बैंक 166 पॉइंट की। अगर आप बैंक निफ्टी की तेजी को अगर आप देखें तो 232 पॉइंट में से 166 पॉइंट की तेजी केवल जो बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी का भी दिग्गज शेयर है उसी से है। उसके बाद 43 पॉइंट्स की SBI से। SBI भी नहीं चलता आज, SBI मंदा ही बंद होता, लेकिन क्या था कि इंडेक्स इतना तेज चल रहा था तो जितने भी शॉर्ट्स वाले थे उन्होंने सोचा भैया जाते जाते क्यों अपना शॉर्ट लेके गए, चलो अपना कवर कर लो। इसी तरीके से ICICI बैंक में भी, तो इस वजह से ये जो क्योंकि जो इंडेक्स जिनसे मैनेज होता है तो हो सकता है कि जो बुल्स हैं वो अगले दिन SBI को ICICI बैंक को इनको उठाना शुरू कर दें, क्योंकि अब वो अपनी मेहनत जो है घोड़े पे करेंगे, गधे पे नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो टॉप 10 शेयर्स हैं उन पर वो अपनी मेहनत लगा रहे हैं, बुल्स बजाय कि बाकी शेयर्स के ऊपर। तो ये जो है एक मेजर चीज़ है। आज देखिएगा जिन शेयर्स के अंदर अच्छी गिरावट देखने के लिए मिली, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के शेयर्स को आपने बहुत समय के बाद ऐसा देखा होगा कि 12% की गिरावट के साथ न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का शेयर आज क्लोज हुआ। कैसे भी रिजल्ट आते थे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता था। इंडिको रेमेडीज 9.34, कावेरी सीड्स के रिजल्ट थोड़े से ढीले थे लेकिन उसको पनिश कर दिया गया उससे भी तेज तरीके से 9% की गिरावट के साथ। उसके बाद आप देखिएगा जो लो था 641 का था, 649 पे क्लोज है।
दौलत इन्वेस्टमेंट जनरली में ट्रैक नहीं करता। डिश टीवी देखिएगा, अब ये तो कंपनियां टेक्नोलॉजी की वजह से ये सिस्टम में ही बहुत प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर डिफॉल्ट भी हो रहे हैं इनके इंटरेस्ट वगैरह की। तो अब जी ग्रुप की ये कंपनी हुआ करती थी, अभी भी शायद जी ग्रुप ही इसको मैनेज करता होगा, बट इसके बहुत सारे शेयर्स येस बैंक ने भी जो है उनके ऊपर जो है प्लेस किया हुआ था। तो देखिएगा, येस बैंक की भी एक अनाउंसमेंट थी कि उन्होंने प्लेस छुड़ा लिया है, अपने फेवर में शेयर कर लिए। रिकोटो 5.47, और इस पर मैंने 4-5 दिन पहले ही अपने एक मित्र को सलाह दी थी भाई सब रिकोटो से निकल जाइएगा, तो क्योंकि ये हम काफ़ी समय से देख रहे हैं। तो अभी देखिएगा 5.47 की सांगी इंडस्ट्रीज, 5.43 GMM फोडलर, ये काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास शेयर्स हैं, और एक महानुभाव जो है बाजार में और टीवी चैनल्स पे आपको आके रोज इसके खरीदने की जो है सलाह देते थे, और वो शायद तो अपने 6-7 हज़ार रुपये के प्राइस के ऊपर एग्जिट कर गए, और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर बेचारा इसको लिए बैठा है, और जिस दिन से वो निकले हैं और इसकी प्रमोशन नहीं हो रही है, तो ये शेयर देखिएगा पूरी रैली में भी नहीं चला। तो हालांकि इस तरीके के जो सेगमेंट के शेयर्स थे जो रैली में चले, क्योंकि शेयर्स जब वो एग्जिट उन्होंने किया शायद ये 100 के PE रेशियो पे था। तो GMM फोडलर में आज फिर निराशा लगी, फिर कंपनी की मैनेजमेंट ने भी जो है इसके अंदर कुछ स्टेक सेल किया था, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का जो एक्विजिशन था उससे रिलेटेड इशू पे, तो उसके बारे में हमने करीबन 1 साल पहले चर्चा भी की थी। सिक्वेंट साइंटिफिक देखिएगा 5% की गिरावट के साथ। गोदावरी स्टील एंड पावर एक बेहतरीन कंपनी, लेकिन शेयर्स थोड़े से प्लेज हैं। बैलेंस शीट के अंदर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और अच्छा होने में, तो बैलेंस शीट में थोड़ा सा डेट का बर्डन है गोदावरी पावर के अंदर, और हालांकि कैश फ्लो बहुत अच्छे जनरेट किए हैं स्टील भी, और शेयर्स ने रिटर्न्स भी बहुत अच्छी दी हैं, लेकिन आज 5% की गिरावट के साथ। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो स्मॉल मिड कैप है वहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। हिंदुजा ग्लोबल में शायद चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही थी अभी 2-4 दिन पहले तक, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, तो मैंने कहा यार इसको 400-500 रुपये में शेयर्स देखते थे, तो 3500 रुपये में ये आप देखिएगा BPO टाइप बिजनेस है, तो हमारे को इन प्राइस पे तो जस्टिफाई नहीं होता। तो वैल्यूशन वाइज नहीं है, देखिए कब शेयर्स तो मोमेंटम में चल ही रहे होते हैं, उनके बारे में मोमेंटम को तो जो है ट्रेडर ज़्यादा अच्छे से पहचान लेता है, तो हम जनरली ट्रेडिंग भी करते हैं लेकिन ऐसे शेयर्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं जो फंडामेंटली साउंड हो। तो इंडिगो रेमेडीज देखिएगा 9.34% की गिरावट, कावेरी सीड में बता चुका हूँ ये शेयर 7.82% की गिरावट, औरोबिंदो फार्मा। अब बहुत सारे जो व्यूअर्स थे उन्होंने जो है आज हमारे को सवाल भी किया, व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया, तो मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाता हूँ, लेकिन उन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी खरीदी है, और सॉरी एक कंपनी खरीदी है, एक एक्विजिशन किया है, और वो कंपनी वेटरनरी प्रोडक्ट के अंदर जो है काम करती है, तो एक स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप को जो है करीबन 11-12 करोड़ की सेल वाली कंपनी को करीब 400 करोड़ से ऊपर खरीदा है, तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि इतनी छोटी कंपनी को इतने रुपए में कैसे खरीद सकते हैं। अभी आपने IPO नहीं देखा जोमेटो का, भाई सर लॉस कर रहे हैं तो तब भी खरीद लिया आपने, तो अल्टीमेटली ये अरविंदो फार्मा एक दूसरे सेगमेंट के अंदर वेटरनरी जो है पशुओं से रिलेटेड जो बिजनेस है जिसमें सिक्योरिटी साइंटिफिक भी है, उस तरीके के बिजनेस में जो है अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। तो मैनेजमेंट ने वहाँ पे एक एक्विजिशन किया है, तो उसकी जो है ड्यू डिलीजेंस जो है देखनी पड़ेगी कि भाई वास्तव में कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू है या नहीं है। पर होता क्या है कि जब शेयर की पिटाई हो रही है तो भैया खबरें अपने आप ही आ जाती है ख़राब, तो ख़राब खबरें प्लांट करने वाले लोग अपने आप तैयार रहते हैं ऐसे केस में। और सिक्वेंट साइंटिफिक भी आज की कड़ी में था, इसमें भी गिरावट है। प्रेस्टीज एस्टेट जो है अभी जो है प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहा है, और क्योंकि अभी सेक्टर में कुछ खबरें थी पीछे टाइम पे, तो मोमेंटम प्ले था, तो हमने भी जो है इसको 280 पे जो है अल्फा एम्बस के साथ शेयर किया था, और 363 के ऊपर हमने बोला था कि इससे आप चाहें तो इससे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिंग मूव्स हैं वो आ चुके हैं। फंडामेंटली अभी देखिएगा इस सेक्टर में इंप्रूवमेंट आने में थोड़ा सा समय और लगेगा। और नेटको फार्मा 4.46, सुंदरम, APL अपोलो, सिनेडर इन्फ्रा और पेज इंडस्ट्री जैसे ये शेयर्स भी जो है माइनस में थे, और सिनेडर इन्फ्रा में तो लॉस ही आया है तो आज हम उसको देख रहे थे। तो कुल मिलाकर ये जो कंपनी है इस तरीके से जो है आज काम करती हुई नजर आई। तो स्मॉल मिड कैप, अब ये देखिएगा ना BSE का एडवांस डिक्लाइन क्या कह रहा है, 6,1633 शेयर्स डिक्लाइन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बारी बारी से कुछ कुछ शेयर्स में जबरदस्त तरीके से पिटाई हो रही है और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने लग रही है। पुट कॉल रेशियो देखिएगा महीने के एंड की 1.83 है, तो इसका मतलब ये है कि जो पिछला ये जो बीच वाला हफ्ता है इसमें भी न्यूट्रल रहेगा, इंडेक्स ठीक रहेगा। इंडेक्स में जो कुछ भी गिरावट होगी लास्ट वीक में ही हम एंटिसिपेट कर रहे हैं पुट कॉल रेशियो देख के। और यहाँ पर भी आप देखिएगा तो 16,550 के ऊपर कॉल राइटर थे ही नहीं आज, जबकि 16,500 पे पुट राइटिंग हुई है 70,000, बेस बना दिया नया। इसका मतलब है क्या कि 16,500 को तो बाजार तोड़ने नहीं देंगे ये पुट के जो राइटर्स हैं जिन्होंने 70,000 कॉन्ट्रैक्ट आज आज में लिखे हैं,
82 में से 70,000 कॉन्ट्रैक्ट 16,500 की पुट में आज लिखे हैं। ये तेजी करने वाला कॉल, तो 16,500 अब शायद बाजार इतनी जल्दी से नहीं तोड़ने देगा। तो जिन लोगों ने आज माल खरीदा है उन्हीं को पता है ना कि वो इसको बाजार को इस लेवल से नीचे नहीं आने देंगे। अगर इसके नीचे अगर बाजार आ गया 16,500 के नीचे, तो फिर देखिएगा ये 16,400 पे 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट आज लिखे गए, तो कितनी मजबूती इस हफ्ते के लिए इंडेक्स के अंदर जो ऑप्शन पुट राइटिंग हुई है वो ये बता रही है कि 16,400 16,500 शायद ये तोड़ने नहीं देंगे बाजार। तो इस वीकली एक्सपायरी जो थर्सडे को होगी शायद वो 16,500 के ऊपर करने के लिए बेताब है। ये मैं ऑप्शन चेन से बता रहा हूँ, हो कुछ भी सकता है लेकिन ऑप्शन चेन के डेटा क्या कह रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। इसी तरीके से 36,000 की पुट में 32,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं, 36,200 में 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं। पुट में राइटिंग जबरदस्त हो रही है, कॉल में राइटिंग हालांकि बैंकिंग में तो फिर भी है थोड़ी सी 36,200, लेकिन कॉल राइटर अब डरे हुए हैं। अब कॉल लिखने की हिम्मत जो है इंडेक्स में किसी की नहीं है और डरे हुए हैं, इसलिए कॉल राइटिंग बहुत ही कम है और जो राइटिंग है वो पुट राइटिंग हो रही है जबरदस्त। लेकिन अगर किसी भी कारण से बाजार को नीचे घेर दिया गया तो पुट राइटर बहुत बुरे तरीके से ट्रैप हो जाएंगे। अगर ये तेजी करने वाले लोग ही जो है अगर पुट राइटर हैं तो बाजार नहीं गिरेगा, लेकिन अगर तेजी करने वाले लोग जो अभी तेजी इसलिए कर रहे हैं कि इनपुट वालों को फंसाना है बाद में बाजार गिरा के, तो फिर देखिएगा फिर बाजार के अंदर जब इस तरीके की पुट राइटिंग होती है तो जनरली बाजार गिरते नहीं है, जनरली गिरते नहीं है, और अगर गिरते हैं तो फिर रुकते नहीं है जनरली, क्योंकि या तो उन्होंने पुट राइटिंग फंसाने के लिए लिखी है या अपने आप को सेव करने के लिए। अगर उन्होंने लिखी है भाई तेजी कर लें और पुट को बेचने हैं, उन्होंने जबरदस्त राइटिंग की है कि भाई बाजार को गिरने नहीं देंगे, और उन्होंने इसलिए माल अभी इसलिए खरीद रहे हैं कि बाद में बाजार को ऊपर से बेचना है, ऊपर से गिराना है, अगर इसलिए उन्होंने पुट राइटिंग उन्होंने पुट जो है खरीदी होंगी और लोगों से पुट राइट करवाई होंगी और फिर वो बाजार को गिरेंगे, तो फिर ऐसे केस में बाजार में गिरावट बड़ी होती है। तो यहाँ पर जो है अभी बहुत ही मतलब क्रूशियल लेवल है, इतनी जबरदस्त पुट राइटिंग हमने बहुत समय के बाद देखी है, इतनी जबरदस्त पुट राइटिंग निफ्टी के अंदर स्पेशली बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग की गई है। इसका मतलब है कि बाजार को बिल्कुल ऐसा बना दिया कि जैसे गिरेगा ही नहीं, अगर गिर गया तो बड़ा गिरेगा ये भी पक्का है, क्योंकि इतनी बड़ी पुट राइटिंग के अंदर बाजार जब गिरता है तो बड़ा गिरता है, छोटा नहीं गिरेगा। अगर गिरेगा तो जनरली गिरता नहीं है, क्योंकि इतनी जबरदस्त पुट राइटिंग अगर बड़े प्लेयर्स ने की होगी तो फिर वो बाजार को गिरने नहीं देंगे, और अगर उन्होंने फंसाने के लिए किया है तो फिर बड़ा गिराएंगे। तो इसलिए जो है हालांकि अभी चांस नहीं लग रहे इंडेक्स पे हमें, क्योंकि ये इंडेक्स को ऊपर खड़ा करके जो है अपना स्मॉल मिड कैप का माल बेचेंगे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, और ये मुझे अभी उनकी स्ट्रेटेजी जो है समझ में आती है जो मुझे लगता है। आपको ये पूरा एनालिसिस कैसा लगा जरूर से ज़रूर आप मुझे बताइएगा, और वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।